हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिल्क पाउडर की बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी मिठाई, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई अपनी गैस पर रख ली है और साथ में इसके अंदर एक चम्मच घी डाल दिया है और अब हम अपनी गैस को ऑन कर लेंगे। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसी के अंदर हम डालेंगे एक गिलास दूध। दूध आप अपने मिल्क पाउडर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपने मिल्क पाउडर कितना लिया हुआ है। मैंने मिल्क पाउडर 250 ग्राम लिया हुआ है और इसी में मैं आपके लिए हाफ के जी मिठाई बनाकर तैयार करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा दूध और घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और हमारा दूध भी गर्म हो चुका है। अब हम धीरे धीरे इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। तो आपको एकदम से मिल्क पाउडर नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है ताकि इसमें लम्स ना हो। तो देखिए, दो बड़े चम्मच मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अब जो बचा हुआ मिल्क पाउडर है वो भी धीरे धीरे डाल देंगे। तो देखिए, मैंने सारा मिल्क पाउडर अपना इसी में डाल दिया है। तो अब धीरे धीरे हम इसे हिला लेंगे ताकि इसमें लम्स ना हो बिल्कुल भी और गुठलियाँ ना हो। तो देखिए, हमारे जो चम्मच पर लगा हुआ है उसे भी हम उतार लेते हैं और इसे हिला लेते हैं अच्छे से। और जो इसके चारों तरफ लग चुका है उसे भी धीरे धीरे उतार लेंगे। फ्रेंड्स, बस इसकी प्रोसेस यही होती है कि आपको इसे हिलाते रहना है। अगर इसे आप कम हिलाओगे तो यह नीचे की तरफ लगता बहुत जल्दी है। जितना आप इसे हिलाओगे उतनी ही आपकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी। तो देखिए, मैं इसी प्रकार से हिलाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको इसे इसी प्रकार हिलाते ही रहना है जब तक यह मिठाई की कंडीशन में नहीं आ जाता। बस आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि यह नीचे की तरफ लगे नहीं। अगर आपका दूध नीचे की तरफ लग जाएगा तो इसमें महक हो जाएगी और यह खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और इसे बेहतरीन बनाने के लिए आपको इसे हिलाते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं धीरे धीरे यह टाइट होने लगा है और ये बिल्कुल मिठाई जैसे कंडीशन में आने लगा है। तो इसे आपको हिलाने से बिल्कुल बंद नहीं होना है, इसी प्रकार हिलाते रहना है क्योंकि नीचे की तरफ इस कंडीशन में लगता बहुत ज़्यादा है। जो मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है उसमें पहले से ही ऑलरेडी मीठा है। आप चाहो तो बिना मीठे का भी मिल्क पाउडर ला सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा मिल्क पाउडर चाहोगे। लेकिन जो मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है इसमें पहले से ही काफ़ी मीठा है, तो इसलिए मैं इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालूँगी। मेरी बहुत सी वीडियो में कमेंट आया है कि आपने चीनी नहीं डाली, आप भूल गए हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चीनी इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि ये है पहले से ही मीठा होता है और चीनी डालने के बाद ये काफ़ी मीठा हो जाएगा और मेरी फैमिली को मीठा बहुत कम पसंद है। तो जितना इसमें आता है उतना ही मीठा काफ़ी रहता है, ये आप भी ट्राई करके देख सकते हो। और अगर किसी के घर में ज़्यादा मीठा खाने वाले हों तो आप इसमें और मीठा डाल सकते हो। तो देखिए, यह बिल्कुल मिठाई के कंडीशन में धीरे धीरे होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में मैं इसे थोड़ा लो फ्लेम पर कर देती हूँ ताकि ये नीचे की तरफ कम लगे। और हम इसमें थोड़ा सा घी डाल दें, आपको इसमें एक चम्मच घी डाल देना है। मैंने घी देसी लिया हुआ है, अगर आप मिठाइयों में देसी घी डालेंगे तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। वैसे आप इसमें अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो देखिए, घी डलने के बाद ये थोड़ी चिकनी दिखाई देने लगी हैं, तो इसे थोड़ा सा टाइट और कर लेंगे हम। आपको इसे इसी तरह हिलाते रहना है। तो मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। आप देख सकते हैं यह मिठाई के कंडीशन में बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल मुलायम और कितना बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। जैसे कि हलवाइयों के यहाँ हम मिठाई लाते हैं बिल्कुल वैसा इसका पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको इसे इसी कंडीशन में रखना है। अगर ज़्यादा इसे टाइट करोगे तो आप ये ठंडा होने के बाद काफ़ी टाइट हो जाएगा, तो आपको इसी कंडीशन में इसे
बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स आज मैं थोड़े कलरफुल पेड़े बना के दिखाऊंगी आपको। तो इसके लिए मैंने एक चम्मच इसे अपने प्लेट में निकाल लिया है पहले से ही, और जो ये बाकी का बचा हुआ है इसमें मैं डालूंगी रेड कलर। तो हल्का सा मैं इसमें 1 स्पून दूध डाल दूंगी और इसमें ये कलर ऐड कर लूंगी। ये आपको नॉर्मली किसी भी शॉप से मिल जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं इसका कलर रेड हो चुका है। हमारे कटोरी में थोड़ा सा कलर वो बचा हुआ था वो भी मैंने इसी में डाल दिया है, और इसे थोड़ी सी देर के लिए और हिला लूँगी मैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स इसमें कलर से कोई चेंजिंग नहीं आएगा स्वाद में, यह बिल्कुल वैसे ही लगेगी जैसे कि आप हलवाई की दुकान से लाकर खाते हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैं ठंडा होने के लिए इसे रख देती हूँ, और फिर हम आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि आपको इसे किस तरह बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया था और अब ठंडा हो चुका है ये। अब हल्का सा मैं अपने हाथों को चिकना करूँगी और इसमें से थोड़ा सा अपना ये पेस्ट उठाऊँगी और इसे गोलाई में इस प्रकार बना लूँगी और यहीं पर इसे रख लूँगी, और अब दूसरा भी इसी प्रकार गोल गोल बनाकर हम इसी में रखते रहेंगे। मैंने इस प्रकार इन्हें गोल गोल बनाकर रख लिया है एक साइड में, आप देख सकते हो। और अब आपको ये अपना दूसरे वाला जो मैंने कलरफुल बनाया है वो भी मैं लूँगी एक हाथ में, और इसकी भी हम 4 गोलियाँ इसी प्रकार बना लेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी भी ये 4 गोलियाँ बना ली हैं, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगता है। कई बार हम हलवाई की दुकान पर जाते हैं वहाँ पर रंग बिरंगी रखी दिखती हैं तो हमारा बहुत मन करता है। तो अब आप ये घर पे ही ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएंगी, और बच्चे तो इन्हें बड़े उछल उछल कर खाएंगे क्योंकि उन्हें कलरफुल चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है ये मैंने 4 गोलियाँ बना ली हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो रक्षाबंधन पर क्यों ना हम कुछ अलग और नया करें। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था हम एक ट्रे लेंगे इस प्रकार, और ट्रे में इस प्रकार इन 4 गोलियों को रख लेंगी और इसे भी इस प्रकार रख लेंगी और इन 4 को अच्छे से इस प्रकार मिक्स कर लेंगी। वैसे तो आप इस प्रकार भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं लेकिन मैं इन्हें थोड़ा सा गोलाई में घुमा रही हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना कलरफुल बना हुआ है यह पेड़ा। तो इस प्रकार मैं इसे बनाकर अब एक साइड में रख लेती हूँ। तो धीरे धीरे आपको सभी इसी प्रकार बना लेने हैं, छोटे बड़े जिस प्रकार के आप बनाना चाहो उस प्रकार आप इन्हें बना सकते हो। तो जो 4 गोलियाँ और बना रखी थी उनके भी हम इसी प्रकार इन्हें, तो देखिए फ्रेंड्स यह दिखने में भी कितना बढ़िया दिख रहा है और कलरफुल भी बना हुआ है आप देख सकते हो। यह खाने में भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसे भी मैं एक ट्रे में रख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे सभी पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कलरफुल पेड़े कितने बढ़िया दिख रहे हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अब हम इस पर लगाएंगे सिल्वर फॉइल, इससे हमारे पेड़ों की और भी दिखने में काफ़ी अच्छे दिखेंगे। तो देखिए इसकी गार्निश के लिए मैंने इस पर सिल्वर फॉइल लगा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे कलरफुल पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी बने हुए और दिखने में भी देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे लगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी कभी लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अगली एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।